सास बहू और बेटियां इन एसोसिएशन विद बैद्यनाथ। एक तरफ लक्ष्मी के जख्मों पर ऋषि लगा रहे हैं प्यार का मरहम, तो दूसरी तरफ गुस्से से बौखलाई मलिष्का बन गई है खुद ही की दुश्मन। एक तरफ हो रही है प्यार की बरसात, तो दूसरी तरफ बरस रहा है गुस्सा। जी टीवी के सीरियल भाग्य लक्ष्मी में दिवाली पर हुए धमाके के बाद लक्ष्मी के पैरों पर चोट लग गई है, या यूं कह लो लक्ष्मी के पैर जल गए हैं। ऐसे में लक्ष्मी चल नहीं पा रही और देखिए कैसे ऋषि उसके जख्मों पर मरहम लगा रहा है और उसका साथ देने का वादा कर रहा है। भाई यहाँ पर ऋषि और लक्ष्मी की प्यार की पींगे बढ़ रही हैं, तो वहाँ पर दरवाजे पर खड़ी मलिष्का ये देखकर जल रही है और उसे अपने पर ही गुस्सा आ रहा है। और देखिए कैसे गुस्से में आकर वो पहुंच गई है अपने कमरे में और खुद को आईने में देखकर वो अपने आप पर ही नाराज हो रही है, चीजों की तोड़फोड़ कर रही है और खुद को मारने की दे रही है धमकी भी। आज तो मलिष्का अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही और उसने कमरे को तहस नहस कर दिया। इसी बीच वहां पर ऋषि भी आ गया। इससे पहले कि वो सच का पता लगाता, मलिष्का ने बहाना मार दिया और बलविंदर पर इल्जाम जड़ दिया। मलिष्का सामान क्यों बिखरा हुआ है? हुआ क्या है? सब ठीक है? क्या वो भाई मलिष्का ने यहाँ बहाना तो मार दिया, लेकिन अब ऋषि इस बात पर हैरान हो रहा है कि आखिर बलविंदर यहाँ करने क्या आया था। इसी बीच ऋषि तहस नहस कमरे को वापस से सजाने की कोशिश करता है। इससे पहले कि उसके हाथों तो प्रेगनेंसी किट लगती, मलिष्का ने उस किट पर तकिया फेंक दिया। ये देखकर ऋषि हैरान रह गया। क्यों?
फिलहाल तो ऋषि सच से अनजान है, लेकिन शालू उसे मलिष्का पर शक हो गया है, क्योंकि शालू ने मलिष्का को घर की लाइट ऑफ करते हुए देख लिया था, क्योंकि मलिष्का बलविंदर को घर से भगाना जो चाहती थी। अब देखना होगा कि क्या शालू सभी घर वालों को ये सच बताएगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।